और एरर कोड जो है वो डिस्प्ले पे शो हो रहा है। अगर आप इसको गौर से देखें, देखें ये ब्लिंक्स को काउंट कर लें तो आपको देखें पूरी तरह समझ आ जाएगी। अब हम सेम उसी प्रोसीजर से पहले ब्लिंक्स को, टाइमर ब्लिंक्स और ऑपरेशन ब्लिंक्स को गिन लेंगे और फिर आपको बताएंगे कि ये एरर कोड क्या है और इसका क्या मकसद है और ये क्यों, किस वजह से आपके यूनिट के डिस्प्ले पे आ रहा है। तो पहले हम गिन लेंगे, सबसे पहले हम इसके टाइमर की ब्लिंक्स को गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है जी। अब हम दोबारा इस ऊपर वाले गिन लेंगे, 1, 2, 2, ये दो ब्लिंक्स है देखें। तो दोस्तों मैंने इसके लिए एक चार्ट तैयार किया है जिसके थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगा और बताऊंगा कि ये एरर कोड कैसे काम करता है और इसका क्या मतलब होता है। तो देखें ये एक चार्ट है, देखें इसमें देखें टाइमर, टाइमर ब्लिंक्स हैं और देखें ऊपर वाला जो है ऑपरेशन, ऑपरेशन ब्लिंक्स हैं। तो इसमें देखें टाइमर जो है वो 10 सेकंड में 5 टाइम ब्लिंक कर रहा है और इसमें जो है मेन जो है वो टाइमर ब्लिंक्स हैं, ठीक है। और ये जो ऑपरेशन ब्लिंक्स हैं इसके एरर कोड की डेफिनेशन या उसको शो करता है कि इसकी में क्या एरर कोड है, ठीक है जी। तो जब टाइमर की लाइट फर्स्ट टाइम ब्लिंक करती है तो उसके साथ जो ऑपरेशन की लाइट है वो ब्लिंक नहीं करती है, यानी कि जो डॉट मैंने लगाए हैं इनका मतलब है कि ब्लिंक नहीं करती और जो क्रॉस मैंने लगाए हैं इनका मतलब है कि ब्लिंक करती है। तो जो फर्स्ट टाइम वो करती है टाइमर की लाइट ब्लिंक करती है तो ऑपरेशन की लाइट ब्लिंक नहीं करती है, सेकेंड टाइम जब वो ब्लिंक करती है तो ऑपरेशन की लाइट उसके साथ ब्लिंक करती है और थर्ड टाइम ऑपरेशन की टाइमर की लाइट ब्लिंक करती है तो ऑपरेशन की नहीं करती है, फोर्थ टाइम में भी टाइमर ब्लिंक कर रहा है लेकिन ऑपरेशन ब्लिंक नहीं कर रहा है, इसी तरह लास्ट में टाइमर की लाइट ब्लिंक करती है तो ऑपरेशन की लाइट भी ब्लिंक करती है। तो ये एक कम्बिनेशन कोड बन गया है और इसका मतलब ये है कि आपने जो कोई सर्विस के लिए या किसी काम के लिए एयर कंडीशनर को, यूनिट्स को खोला है और उसमें आपने जो उसके थर्मिस्टर्स हैं उसको रॉन्ग पोजीशन पे रॉन्ग इंस्टॉलेशन आपने कर दी है। तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वाला यूनिट आपने, कौन सा वाला थर्मिस्टर या सेंसर आपने उसकी जगह के बजाय दूसरी जगह एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दी है या सारे उल्टे पुल्टे लगा दिए हैं, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा उनको। तो ये रहा शार्प के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर का आउटडोर यूनिट जिसको हमने आसानी के लिए ऑलरेडी खोल लिया हुआ है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। तो ये रहा इसका मॉडल नंबर, देखें ठीक है जी। तो हमने आसानी के लिए खोल लिया, अब हम आपको बताएंगे कि इसके सेंसर्स की पोजीशन वो कहाँ कहाँ इंस्टॉल होते हैं और कैसे दिखते हैं, ठीक है जी, ताकि उनकी करेक्ट पोजीशन का आपको सही से पता चल सके। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें देखें, देखें इसमें 4 कलर वायर्स यूज़ की गई हैं, ठीक है जी, ये ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज और रेड या पिंक कह सकते हैं, पिंक है मेरे ख्याल, पिंक जो है वो यूज़ की गई है इसमें, ठीक है जी। तो अब हम आपको बताएंगे कि ये सब जो हैं कहाँ कहाँ इंस्टॉल होती हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा पीसीबी किट हमने यहाँ से निकाल दी है ताकि आसानी से आपको हम सेंसर्स की पोजीशन शो कर सकें। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे ये पिंक कलर के सेंसर की, पिंक कलर के सेंसर जो है वो कहलाता है जी कंप्रेसर, टेम्परेचर सेंसर या डिस्चार्ज पाइप सेंसर कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये आपको देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर का डिस्चार्ज है, ठीक है जी, डिस्चार्ज से निकल के ये डायरेक्ट देखें यहाँ पे इंस्टॉल होता है, डिस्चार्ज पाइप के ऊपर बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा डायरेक्ट कंप्रेसर के पास, ठीक है जी। तो ये इस ये पोजीशन हो गई। मज़ीद आसानी के लिए हमने इसको और खोल दिया है, देखें इसका कवर खोल दिया सारा कुछ। तो हम आप जो सेकंड जो सेंसर है वो हम आपको दिखाएंगे, देखें ये ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर की जो वायर है, ठीक है जी, ऑरेंज कलर की वायर है, ठीक है, ये दिखाएंगे आपको।
तो ये जो है ये कंडेंसर पाइप सेंसर है या हीट एक्सचेंजर पाइप सेंसर कहलाता है। तो ये आपको दिखा देते हैं, देखें ये हमने खोल लिया हुआ है पहले से ही, देखें ये हम आपको शो कर देते हैं। ये देखें ये कुछ ये हीट एक्सचेंजर से जब पाइप आ रहा होता है, ठीक है जी, तो ये इसके साथ बिल्कुल लगा है एक्सपेंशन वाल्व से पहले, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे ऑरेंज कलर का पाइप जो सेंसर है वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरे सेंसर की। तो तीसरा सेंसर जो हमारा इस वक्त हम तीसरा नंबर देंगे वो है जी, ये देखें ग्रीन कलर को। तो ग्रीन कलर जो है वो हमारा आउटडोर टेम्परेचर सेंसर कहलाता है। तो ये देखें ये यूनिट में कुछ इस तरह पोजीशन में होता है, देखें ये आ रहा है और ये आउटडोर टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। ये देखें ये कंडेंसर के पास लगा होता है बैक साइड पे, तो ये आउटडोर टेम्परेचर को सेंस करता है, तो इसको कहते हैं आउटडोर टेम्परेचर सेंसर। अब हम बात करेंगे चौथे नंबर की सेंसर की, जिसको हमने नंबर दिया है चौथा नंबर, वो है जी देखें ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर का जो सेंसर है वो कहलाता है सेक्शन पाइप सेंसर। तो सेक्शन पाइप सेंसर देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें ये हो गया सेक्शन वाल्व हो गया, और ये अंदर से आके देखें सेक्शन पाइप के साथ ये लगा हुआ है, ठीक है जी। इमीडिएटली जो ही ऊपर थोड़ा सीधा होता है पाइप तो इसके साथ लग जाता है, और ये टेम्परेचर को जो कूलिंग टेम्परेचर है उसको सेंस करता है कि जो रिटर्न है आपकी जो यूनिट की रिटर्न है वो कैसे वापस आ रही है, किस पोजीशन में है, तो वो उसको सेंस करके तो उसको सिग्नल पीसीबी को दे रहा होता है। तो अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर सेंसर की, देखें जो के है ब्लैक वायर में, और ब्लैक वायर वाला जो सेंसर होगा वो आपका सेंसर कहलाएगा वाल्व टेम्परेचर सेंसर। तो वाल्व टेम्परेचर सेंसर देखें वो कुछ एवेपोरेटर के साथ इस तरह लगा होगा इस पोजीशन में, देखें ये फर्स्ट जो पाइप है, ठीक है, ये लगा होगा, जब ये वर्टिकली लगा होगा तो ये फर्स्ट पाइप होगा, और ये नीचे की तरफ सेकंड होगा। तो आप जो है वो इस पर इसको लगा दें, और इसका मकसद ये है कि जब एक्सपेंशन वाल्व से गैस गुजर के इंडोर की तरफ आती है तो ये उसकी चेक करता रहता है कि कूलिंग कैसी है, तो ये इसके मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।